हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेकअप ब्रशेस का रिव्यू। और आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरी बहुत ही प्यारी यूट्यूबर फ्रेंड है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये बिल्कुल फ्री है गाइज, तो चलिए देख लेते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ इन मेकअप ब्रशेस का। और ये एक बहुत ही प्यारी पैकेजिंग में आते हैं, आप देख सकते हैं लेदर के बैग में आते हैं। और ये देखिए, ये कुछ इस तरह से पैक होकर आए थे, नाइसली पैक होकर आए थे ये, और ब्लैक कलर के एक लेदर बैग में मुझे मिले थे ये। और तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये देखिए, आई होप आप देख पा रहे हो। तो ऐसे तो मैं आपको शायद ना दिखा पाऊं ठीक से, बट मैं आपको वन बाय वन कर दिखा देती हूँ और कैसे आप इन मेकअप ब्रशेस को यूज कर सकते हैं और कितने तरह के मेकअप ब्रशेस मुझे इसमें मिले हैं। मैं ये सब बातें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को प्लीज स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना कर दे। और इस बैग में मुझे टोटल 24 मेकअप ब्रशेस रिसीव हुए थे और इसमें आपको 6 बिग ब्रशेस मिल जाते हैं और 18 ब्रश आपको स्मॉल साइज में मिलते हैं। और सभी ब्रशेस बहुत ही अच्छे हैं और इसमें आपको जो स्मॉल ब्रशेस हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं और आपको जो बिग ब्रशेस हैं वो 6 मिल रहे हैं ओनली। तो काफी अच्छे ब्रशेस हैं, मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और मैंने ये जहां से परचेज किए थे इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी और आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मुझे मिल गए थे ये मेकअप ब्रशेस। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह के मेकअप ब्रशेस हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह के मेकअप ब्रशेस हैं। और ये देखिए, ये इस तरह से ब्लैक कलर के बैग में अच्छे से पैक होकर आए थे और ये लेदर का बैग है और ये बबल रैप होकर आए थे, बहुत ही नाइसली पैक होकर आए थे। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। और ये देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो ये देखिए, ये टोटल 24 मेकअप ब्रशेज हैं। और चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से इसके मेकअप ब्रशेज दिखाती हूँ। ये इस तरह से ओपन हो जाते हैं और ये देखिए कितने खूबसूरत ब्रशेज हैं। इन मेकअप ब्रशेस की सबसे ज्यादा फ्रेंड्स मुझे एक बात अच्छी ये लगी थी कि मुझे स्मॉल ब्रशेस ज्यादा चाहिए थे क्योंकि स्मॉल ब्रशेस आपके आई मेकअप में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और ज्यादातर फ्लैट ब्रशेस जो होते हैं ना आई मेकअप में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो इसीलिए मेरी जो मतलब जरूरत थी वो यही थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्मॉल ब्रशेस मंगाऊं और फ्लैट ब्रशेस मंगाऊं। तो जैसे मुझे चाहिए थे ये सेम वैसे ही ब्रशेस मुझे मिल गए हैं। बट हाँ, इनके साथ एक चीज की कमी ये थी कि इन सभी मेकअप ब्रशेस के साथ आपको ब्लेंडिंग ब्रश नहीं मिलता है। आपको फ्लैट ब्रश तो मिल जाएंगे इसमें, काफी सारी वैरायटीज में ये देखिए, लेकिन आपको ब्लेंडिंग ब्रश इसमें नहीं मिला है। ये मुझे एक थोड़ी सी इसकी चीज एक अच्छी नहीं लगी क्योंकि पिक्चर में एक ब्रश था जो कि ब्लेंडिंग ब्रश की तरह ही लग रहा था, बट मुझे इसमें ब्लेंडिंग ब्रश नहीं मिला है। बट हाँ, जितने भी ब्रशेस मुझे मिले हैं ये मुझे काफी अच्छे लगे, बहुत ही प्यारे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अभी तक भी कुछ ब्रशेस की जो पैकेजिंग है एज इट इज रहने दी है क्योंकि मैंने अभी तक इनको इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे फिलहाल के जितने भी आपने मेरे मेकअप ट्यूटोरियल देखे होंगे उनमें आपने देखा होगा कि मैंने इन्हीं मेकअप ब्रशेस की हेल्प से मेकअप किया था। और ये देखिए, मैंने कुछ मेकअप ब्रशेस इसमें इस्तेमाल कर लिए हैं तो मैंने कुछ ओपन कर लिए हैं। ये देखिए, हाईलाइटर ब्रश है, फाउंडेशन ब्रश है और ब्लश भी, आपको ब्लशर जिससे आप लगा सकें। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले मेकअप ब्रशेस की। तो ये देखिए, तो सबसे पहले जो ये है आपको मिल रही है इसमें स्पूली। ये देखिए, इस स्पूली से आप अपनी आईब्रोज को सेट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्पूली है। सबसे अच्छी बात इन मेकअप ब्रशेस की एक और ये भी है गाइस कि इनकी जो ग्रिप है ना वो बहुत अच्छी है, आप इजिली इसे होल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से होल्ड हो जाते हैं। सेकंड आपको मिलता है ये एक कॉम मिलती है 2-in-1, इसमें आपको ब्रश भी मिल जाता है और वन साइड आपको कॉम मिल जाती है, तो इसे आप अपनी आईब्रोज को कॉम भी कर सकते हैं, अपनी आईलैशेस को कॉम कर सकते हैं। ये भी मुझे ब्रश बहुत अच्छा लगा था, तो ये भी काफी अच्छा है और होल्ड भी आप इसको काफी अच्छे से कर सकते हैं और ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है सभी मेकअप ब्रशेस की। तो ये देखिए, थर्ड जो आपको ब्रश मिलता है वो है ये, और ये कुछ फ्लैट ब्रशेस हैं। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि इसमें ज्यादातर मुझे फ्लैट ब्रशेस ज्यादा मिले हैं, स्मॉल ब्रशेस हैं और फ्लैट ब्रशेस हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, ये देखिए, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे कैमरा भी। तो इससे आप अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं, मतलब अगर आप अपनी आईब्रोज को फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे अगर आप अपना मतलब काजल को स्मच करना चाहते हैं तो काजल को या आईलाइनर को आप हल्का सा स्मच करना चाहते हैं तो स्मच करने के भी ये काम आ जाएगा। देखिए, जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि जैसा मैं आपको बता रही हूं वैसे ही आप इन मेकअप ब्रशेस को इस्तेमाल करें, ये डिपेंड करता है कि आप इन ब्रशेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ये हमारे ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड होता है क्योंकि देखिए, दुनिया भर में इतने सारे मेकअप ब्रशेस आने हैं तो सबके नाम तो प्रॉपर मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ जितने मेरे पास हैं उतना तो मैं आपको बता ही सकती हूँ, राइट।
तो ये देखिए, और इन मेकअप ब्रशेज के ऊपर कुछ भी ऐसा मतलब नंबर वगैरह नहीं लिखे हुए हैं, जिस तरह की काफी मेकअप ब्रशेज पर नंबरिंग दी होती है, तो नंबर वगैरह इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है और ना ही इसके ऊपर कुछ ऐसा मेंशन किया हुआ है कि ये फ्लैट ब्रश है, ये एंगुलर ब्रश है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल प्लेन ब्रशेज है। ये देखिए मैं आपको निकालकर दिखा देती हूँ, ये देखिए, और ये ब्लैक कलर में मिल गए थे। वैसे इस पे अगर आप एक बार ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको और भी कलर्स इसमें मिल जाएंगे, ये वुडन में भी आपको शायद मिल जाएंगे, बट मुझे ये ज्यादा पसंद आए थे तो मैंने ये मंगवाए हैं। इसमें आपको शायद कलर ऑप्शन भी अच्छे मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद हो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहां पर आपको दिखा रही हूँ, फोर्थ नंबर पे है ये फ्लैट ब्रशेस। ये देखिए इसके ब्रिसल्स भी काफी सॉफ्ट हैं, और ये ब्रश गाइस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। इस ब्रश की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ग्लिटर्स लगाना चाहते हैं तो ग्लिटर भी लगा सकते हैं, अगर आप इसमें शिमर आई शेडो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये भी कुछ फ्लैट ब्रश है, ये देखिए, और बहुत ही प्यारे ब्रिसल्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन पर हार्श होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं इसके ब्रिसल्स, और ऐसा नहीं है कि ये फॉल आउट होता है, बिल्कुल भी नहीं है, इसके ब्रिसल्स निकलते नहीं है, ये देखिए काफी टाइट है, तो बहुत अच्छे लगे मुझे ये। फिफ्थ नंबर पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है स्पॉन्ज ब्रशेज, मिल जाता है आपको, ये स्पॉन्ज टाइप है, ये देखिए, जैसा कि आपने काफी आई शेडो पैलेट देखे होंगे उसके साथ आपको एक एप्लीकेटर मिलता है, तो वो भी इस तरह से ही होता है, तो इसे भी आप स्मज का काम ले सकते हैं, अगर आप अपना मतलब अगर आई शेडो या कुछ आई लाइनर या काजल को स्मज करना चाहते हैं तो स्मजिंग के लिए काम आ सकता है। सिक्स नंबर पे आपको जो ब्रश मिलता है वो है ये भी स्पॉन्ज ब्रशेज है, ये देखिए, और ये कुछ पेंसिल ब्रश टाइप है, ये देखिए गाइस, अगर आपने देखा होगा कि आउटर वी पे आईज की अगर आपने इस तरह से वी बनाते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ये वाला ब्रशेस, इससे बहुत अच्छा आउटर वी पर आपके मतलब आईज पर वी बन जाता है, इस तरह से आप शेप दे सकते हैं अपनी आईज को, तो ये ब्रशेस भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। सिक्स नंबर पर जो ब्रश है वो ये है पेंसिल ब्रश, ये देखिए, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इसे आप अगर स्मच करना चाहते हैं तो आउटर वी पे जैसा कि अगर आप शेप देने के लिए हल्का सा आई शेडो को स्मच करना चाहते हैं तो ये इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा, और काफी सॉफ्ट है ये भी। तो ये देखिए सेवन्थ नंबर पे है ये वाला ब्रश, ये भी फ्लैट ब्रश है, और गाइज ये ब्रश इतना ज्यादा अच्छे लगे हैं ना मुझे, ऐसे दो तीन तरह के और ब्रश है इसमें। अगर आप अपनी आईब्रोज को बहुत ज्यादा शार्प दिखाना चाहते हैं यानी कि कंसीलर से, तो आप इस तरीके से कंसीलर बहुत ही नाइसली लगा सकते हैं, ये देखिए कंसीलर इससे बहुत ही अच्छा लगेगा, ये देखिए इस तरीके से अगर आप कंसीलर लगाते हैं ना तो इसे बहुत ही अच्छे से लगता है। नेक्स्ट जो मेरा ब्रश है वो ये है, और ये कुछ इस तरह से है, ये देखिए, ये भी फ्लैट ब्रश है, ये देखिए, और वैसे अगर आप चाहें तो इसे भी आई शेडो लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरा एक और ब्रश है, वो भी कुछ इसी तरह से ब्रश है, ये देखिए, ये भी कुछ फ्लैट ब्रश है, ये देखिए, इससे आप अपने काजल को आईलाइनर को स्मज कर सकते हैं, और ये देखिए इसे भी आप अपने आईब्रोज को फिल करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप आईलाइनर को या काजल को स्मज करना चाहते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और ब्रश है, ये भी कुछ इसी तरह से फ्लैट ब्रश है, ये देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको दिखाए थे कुछ ब्रशेस, ये देखिए ये सेम है, ये देखिए, इसका पहले मैं आपको बता चुकी हूँ और अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये भी बिल्कुल फ्लैट सा ब्रश है इसी टाइप से, इसे आप कंसीलर भी लगा सकते हैं, और अगर अपनी आईज के नीचे अगर आपने कंसीलर को थोड़ा सा स्मच करना है, सेट करना है, तो आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और ब्रश है, ये देखिए नेक्स्ट जो ब्रश है वो कुछ इसी टाइप से है, जैसा कि मैंने अभी सेम ब्रश आपको फ्लैट ब्रश दिखाया था, तो ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ ओवल शेप में लग रहा है मुझे, ये देखिए, होप की कैमरा फोकस कर पा रहा हूं, तो ये कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट जो ब्रश है वो ये है, इसे आप आईलाइनर लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा ब्रश है। वैसे अगर आप इसे विंग आईलाइनर बनाना चाहते हैं, जेल आईलाइनर लगाना चाहते हैं, तो लगा सकते हैं, ये देखिए काफी सॉफ्ट है ये भी, और काफी इजीली आपका लाइनर जो है लग जाता है इससे। बट मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये थोड़ा सा ओवर हार्ड होना चाहिए था, क्योंकि विंग आईलाइनर बनाने के लिए शायद थोड़ा सा हार्ड ब्रश ज्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट जो ब्रश है वो ये है, ये देखिए, ये भी कुछ फ्लैट ब्रश है, ये देखिए, नेक्स्ट एक और ब्रश जो है वो ये है, और ये कुछ ये देखिए, ये भी फ्लैट ब्रश है, ये स्मॉल फ्लैट ब्रश है, बाकी जो मैंने आपको पहले से दिखाए थे वो थोड़े से बड़े फ्लैट ब्रश थे, और ये कुछ थोड़ा सा उनसे छोटा लग रहा है साइज में, तो ये देखिए ये भी कुछ फ्लैट ब्रश है, ये देखिए। नेक्स्ट एक और जो ब्रश है वो कुछ इस तरह से है, ये ऊपर से कुछ इस तरह से फ्लैट सा ब्रश है, और मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसकी, अगर आपकी जिस तरह अगर आप
यू नो आईलाइनर लगाते हैं तो काफी बार हमारा जो आईलाइनर है वो खराब हो जाता है। आउटर वी की बात कर रही हूँ, आउटर वी पे अगर आपका कभी आईलाइनर खराब हो जाता है जैसे कि आप विंग्ड आईलाइनर लगाते हैं, तो मुझे इस मेकअप ब्रशेस का सबसे अच्छा यूज ये लगा कि आप कंसीलर लगाकर और इस तरह से अपने आईज के कॉर्नर में लगाए, तो अगर आप इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो आपका जो कंसीलर से जो आईलाइनर है वो रिमूव भी हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और बहुत अच्छी शेप भी देगा। तो मुझे इस ब्रशेस का यही यूज समझ में आया है। नेक्स्ट एक और ब्रशेज है, वो भी कुछ फ्लैट सा ब्रश है, ये देखिए। मैंने आपको जैसा कि इसमें पहले भी बताया कि इसमें फ्लैट ब्रशेज आपको ज्यादा मिल जाते हैं, ये देखिए। नेक्स्ट एक सबसे अच्छा जो ब्रशेज है वो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है, मेरा जो फेवरेट भी है, क्योंकि इस तरह के ब्रशेज मेरे पास पहले भी हैं। और मुझे सबसे अच्छी गाइस एक बात ये लगती है कि आपके पास जितने भी फ्लैट ब्रशेज है उतने कम है, क्योंकि ये तो आपके पास होने ही चाहिए। ये देखिए, मुझे ये सबसे ज्यादा इसलिए अच्छा लगा है गाइस कि अगर आपकी काफी बार लिपस्टिक खराब हो जाती है तो आप लिपस्टिक को क्लीन करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, यानी कि आप कंसीलर लगा लीजिए या फाउंडेशन लगा लीजिए अपने लिप्स पर और इस तरीके से आप अपने लिपस्टिक को क्लीन कर सकते हैं। तो इस मेकअप ब्रशेज का ये यूज समझ में मुझे आया है जो। तो फ्रेंड्स, ये तो थे सभी छोटे मेकअप ब्रशेज जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि आपके आई मेकअप में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं और हर एक चीज में आपकी हेल्प करेंगे गाइस। अगर आप इसे अपने तरीके से यूज करना चाहते हैं तो अपने तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये थे सभी स्मॉल मेकअप ब्रशेज का रिव्यू था। अब मैं चलती हूँ बड़े ब्रशेज की तरफ, जो कि आपको कुछ इस तरह से मिलते हैं, ये देखिए। तो ये सभी इसमें मेकअप ब्रशेज जो हैं बड़े साइज में हैं, बिग साइज में हैं, ये देखिए। तो ये हैं सभी छह मेकअप ब्रशेज जो कि बिग साइज में मिल जाते हैं आपको। तो सबसे पहला जो मेकअप ब्रश है वो आपको मिल जाता है, ये आपको हाइलाइटर ब्रश मिल जाते हैं, एक स्मॉल में मिलता है और एक बिग साइज में मिलता है। तो मैं आपको ओपन कर दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी बात लगी इसकी कि इसमें दोनों ही साइज के आपको मिल रहे हैं, मगर जैसे कि आप अगर बड़ा इस्तेमाल करना चाहें तो बड़े ब्रश को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है ये फाउंडेशन ब्रश, और ये भी गाइस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। बहुत ही नाइसली आपके फाउंडेशन को, ये बीबी क्रीम या सीसी क्रीम को बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। जो भी आप चीज लगाना चाहते हैं अपने फेस पर इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। इसके ब्रिसल्स भी काफी सॉफ्ट हैं, बिल्कुल फॉल आउट नहीं होता है। तो आपने मेरे कुछ मेकअप ट्यूटोरियल देखे होंगे जिसमें मैंने इस मेकअप ब्रशेज की हेल्प से अपना फाउंडेशन को सेट किया है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैं इसे ज्यादातर अब इसे ही यूज कर रही हूँ जब से मैंने इसे मंगवाया है, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट आपको एक और फाउंडेशन ब्रश मिल जाता है, वो ये है, और इसे भी आप फाउंडेशन भी लगा सकते हैं। अगर आप अपने कंसीलर को लगाना चाहते हैं तो कंसीलर भी लगा सकते हैं, कंसीलर को अच्छे से यू नो स्प्रेड करता है, ब्लेंड करता है। बहुत ही अच्छा लगा है मुझे ये ब्रश भी। नेक्स्ट एक और ब्रश है वो ये है, इसे आप अगर चाहें तो ब्लश लगा सकते हैं, अदरवाइज आप फाउंडेशन भी लगा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला ब्रश भी, काफी फ्लफी ब्रश है। यानी कि आपको दो हाइलाइटर ब्रश मिल जाते हैं, एक स्मॉल साइज में और एक बिग साइज में, और ऐसे ही आपको फाउंडेशन ब्रश मिल जाते हैं, ये देखिए, एक स्मॉल साइज में है और एक बिग साइज में है। तो आपको बिग साइज में भी फाउंडेशन ब्रश मिल जाता है, स्मॉल में भी। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैसे इससे आपकी सीसी क्रीम, बीबी क्रीम या ब्लश लगाते हैं बहुत अच्छे से लग जाएगा। नेक्स्ट मैं एक और जो लास्ट ब्रश है, ये देखिए, ये आपको कुछ फ्लैट सा दिख रहा होगा, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है। ये गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा है, इससे आप अपने फेस की कंटूरिंग कर सकते हैं, ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगा है। और ये भी काफी सॉफ्ट है, काफी ब्रिसल्स इसके अच्छे हैं, ये देखिए काफी फ्लफी है ये भी, और ये ब्रश भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो ये थे गाइस मेरे 24 मेकअप ब्रशेस का रिव्यू। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो और पसंद आया हो आपको। तो ये था मेरा आज का मेकअप ब्रशेज रिव्यू, आई होप कि आपको पसंद आया हो और आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो। और अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज अपने फैमिली फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।